स्टूडेंट्स, आज आप सीखने जा रहे हो टैली के अंदर मेडिकल के बिजनेस पर एंट्री करना, यानी कि आप सीखेंगे टैबलेट पर एक्सपायरी डेट कैसे लागू करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे अप्लाई करते हैं, टैबलेट को बॉक्स या पैकेट में आप किस प्रकार लेंगे, वो आज पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं टैली। तो सबसे पहले आपको एक्सपायरी अप्लाई करने से पहले हमें एक्सपायरी डेट को कीबोर्ड की सहायता से F11 बटन प्रेस करना है। क्या करना है? F11 बटन आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर पर। कहाँ जाना है फ्रेंड्स? इन्वेंट्री फीचर पर। ओके, इन्वेंट्री फीचर आपको यहाँ से मेंटेन बैच वाइज डिटेल ऑप्शंस को यस करना है। दिख रहा है? मेंटेन बैच वाइज डिटेल ऑप्शंस को आपको यहाँ से यस करना है। और सेकंड ऑप्शन आपको यस करना है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस ऑप्शंस। दोनों ऑप्शन को आप यहाँ से यस कर लेना है। ओके, और लास्ट तक हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। इंटर। ओके, अब हम एक ऑप्शंस यूनिट का यस करते हैं यहाँ पर, जो कि अल्टरनेट यूनिट होती है। उसके लिए आपको कीबोर्ड की सहायता से F12 बटन प्रेस करना है। और F12 पर जाने के बाद आपको जाना है एक्ट इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर। ओके, यहाँ से आपको यूज अल्टरनेट फॉर स्टॉक आइटम यूनिट आपको यहाँ से यस करना है। यहाँ से यस करें आप और लास्ट तक इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, एस्केप से बाहर आ जाएं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना है, यानी कि हम डायरेक्ट लेज़र क्रिएट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर जाते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर F6 दबाना होगा और यहाँ पर कैश अकाउंट में और पर्टिकुलर में आप ओनर का नेम लिखे। ठीक है, तो अल्टर के साथ सी प्रेस करें डायरेक्ट लेज़र क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पर वो लिखें यहाँ पर श्री राम कंपनी, ये हमारी कंपनी का नेम है, कैपिटल अकाउंट यानी। ठीक है, कितने लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं हम बिजनेस के अंदर? 2 लाख रुपए। इंटर। ठीक है, ये हमने अमाउंट रिसीव कर लिया है। अब हम यहाँ पर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर जाकर स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पर टैबलेट का, टैबलेट, और एक बना रहे हैं हम शीरप का। दो ऑप्शन यहाँ पर आपने, दो ग्रुप आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। ओके, एस्केप से बाहर आ जाएं। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर यूनिट ऑप्शंस, यूनिट्स ऑफ मेजर। सिंबल में आप लिखे पीस और पूरा नाम पीसेस। एक ऑप्शन आप बनाएंगे यहाँ पर पैकेट का, PKT सिंबल और पूरा नाम लिखे भाई पैकेट। एक सिंबल बनाना है आपको पीस का होगा यहाँ, पैकेट का होगा। अब हम बनाते हैं बॉक्स का, BX बॉक्स, पूरा नाम लिखे यहाँ पर बॉक्स। ओके, एस्केप से बाहर आ जाएं। अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना है स्टॉक आइटम, यानी कि टैबलेट की क्वालिटीज। तो टैबलेट की क्वालिटी क्या है, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया टैबलेट। हो गई, यहाँ से फिल करें आप टैबलेट। अब टैबलेट आप बॉक्स में ख़रीदना चाह रहे हैं या पीस में ख़रीदना चाह रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपका मेडिकल का बिजनेस है तो मेडिकल में आप बॉक्स ही परचेस करेंगे, ना कि एक एक पीस परचेस करेंगे। तो हमें क्या करना है? बॉक्स। अब आपको यहाँ पर अल्टरनेट का ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बॉक्स कर दिया यूनिट में। अब अल्टरनेट यूनिट में आपको क्या करना है कि बॉक्स के अंदर आपके जो ये टैबलेट है वो पीस में आती है या पैकेट में आती है? तो ये बॉक्स के अंदर आपके पैकेट रखा कर आते हैं। तो पैकेट आपको बताना है कितने पैकेट आ रहे हैं यहाँ पर आपका, जैसे हमने लिखा है 12 पैकेट इन 1 बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर हमने ये भी बता दिया कितने पैकेट रखा कर आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर मेंटेन बैच इन को यस करना है, यानी कि एक्सपायरी के लिए हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना होता है। ये देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी आपका ऑप्शन दिख रहा है, यस करें।
एक हम बना रहे सिरप्पा, सिरप यानी कौन सी, हेल्थ केयर हो गई, ये हमारे सिरप का नाम हो गया। आप यहाँ से सिरप फिल करें और सिरप भी आपका किस में लेंगे, आप बॉक्स में। अब आपको बताना है कि जो सिरप होती है बॉक्स के अंदर वो पीस में आती है या पैकेट पे, तो ये आती है हमारे पीस में। अब आपको बताना है कि एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेस आपके रखा कर आ रहे हैं, जैसे हमें 12 पीस कर रहे हैं फन बॉक्स के अंदर, ओके। एक्सपायरी एड करें यहाँ पर आप, यस लास्ट तक इंटर, ठीक है। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं, यानी कि एस्केप से पहले बाहर आएँ और हम जा रहे हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले हमें यहाँ पर परचेस करना है। अब आपको जो भी बिल के नंबर चढ़ाने होते हैं, यानी कि जो भी हम बिल पर हमारे सीएम नंबर होते हैं, बिल नंबर होते हैं, वो आपको यहाँ पर चढ़ाने होते हैं, ओके। पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश करना है, यानी कि हम अभी कैश में ख़रीद रहे हैं। यहाँ लिखा आ रहा है आपका परचेस लेजर, तो आप कीबोर्ड की सहायता से अल्ट्रा सी प्रेस करें और डायरेक्ट लेजर क्रिएट करें। हम लिखेंगे यहाँ पर मेडी सेन परचेस, ओके, मेडिसिन परचेस। कौन से अकाउंट में जाएगा हमारा, परचेस अकाउंट में इंटर। अब कौन से मेडिसिन, जैसे हम टैबलेट ले लेते हैं, कौन सी, पैरासीटामोल, ओके। जैसे ही पैरासीटामोल पे क्लिक करा तो आपसे यहाँ पर ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ बैचेस। लिस्ट ऑफ बैचेस का मतलब ये है कि जिस बॉक्स के अंदर हमारी टैबलेट या सिरप रखा कर आ रही है, उस बॉक्स के नंबर क्या है, वो नंबर आप यहाँ फिल करें। कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं आप, जैसे हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, वन बॉक्स का आप यहाँ पर रेट फिल करें कि एक बॉक्स की कीमत क्या है, इंटर। यहाँ पर आ रहा आपका MFC यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डेट फिल करें, जो भी बिल पर रहती है, जैसे अभी हमारी जो डलकर आ रही है वही हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। एक्सपायरी टैबलेट की एक्सपायरी क्या है, आप यहाँ से एक्सपायरी डेट फिल करें 2004, ओके, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर। नेक्स्ट आप यहाँ पर सिरप करें, सिरप जैसे आपने सिरप पे क्लिक करा, वापस आपसे बैचेस नंबर पूछ रहे हैं, यानी कि जो भी बॉक्स के अंदर हमारी सिरप रखा कर आ रही है उसके नंबर क्या है, आप नंबर फिल करें यहाँ पर। क्वांटिटी कितना कर रहे हैं आप, जैसे हम 2 बॉक्स परचेस कर रहे हैं सिरप का, रेट क्या हमारा, 1 बॉक्स का 200 रुपीज़ पर बॉक्स। एक्सपायरी डेट क्या है, आप एक्सपायरी फिल करें यहाँ पर, जो भी हमारी सिरप की एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इंटर। तो इस टाइप आप किसी भी मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब हम कर रहे हैं सेल, तो सेल करेंगे यहाँ पर, कैश में ही सेल करते हैं हम यहाँ पर। अगर आप किसी व्यक्ति को उधार में सेल करें तो पार्टी का नाम लिखते हैं जिसको भी हम उधार में सेल कर रहे हैं, यानी कि सन्ड्री डेबिटर। सेल लेजर हम क्या सेल कर रहे हैं, मेडिसिन सेल, मेडिसिन सेल, कौन सा अकाउंट, सेल अकाउंट, इंटर। कौन सी मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल 10 बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर आपका शो भी कर रहा है कि हमारे पास स्टॉक में कितना मांग पड़ा है, 10 बॉक्स, ओके। यहाँ पर 10 बॉक्स फिल हो रहा है यहाँ पर। अब हम 10 बॉक्स के अंदर से कितना यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे बॉक्स के नंबर शो हो रहे हैं, जो भी बॉक्स हैं बॉक्स के नंबर फिल करें यहाँ पर, ओके। जी हम कितनी क्वान्टिटी बेच रहे हैं आप, जैसे हम 1 क्वान्टिटी सेल कर रहे हैं यहाँ पर। रेट क्या है आपका, जैसे हम रेट डाल देते हैं यहाँ पर 250 रुपीज़ पर बॉक्स। अब आपको एक्सपायरी डेट अप्लाई नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी डली हुई हमारी, एंटर प्रेस करें आप। नेक्स्ट आपकी बॉन्स है सिरप, ये हमारे पास कितना शो हो रहा है, 2 बॉक्स हमारे पास सिरप भी पड़ा हुआ है, ओके, एंटर प्रेस करें। ये आपके बॉक्स नंबर फिल करें, किस बॉक्स से आप सेल कर रहे हैं, एंटर। कितनी क्वान्टिटी सेल कर रहे हैं, क्वान्टिटी आप यहाँ पर फिल करें। रेट डालें, किस रेट से आप बेच रहे हैं, 400 हमने रेट डाल दिया। मैनुफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आपकी आ रही है, इंटर प्रेस करें, इंटर इंटर इंटर, ओके। तो इस टाइप हम किसी भी मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी या टैबलेट को बॉक्स पैकेट में कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।